सत्यकाल नमस्कार आदाब दोस्तों, zordartimes.com पर आपका स्वागत है। इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म पद्मावत का रिव्यू मैं दीप जगदीप सिंह लेकर हाजिर हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, संजय लीला भंसाली की पद्मावत इतिहास नहीं बल्कि मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य कल्पना का दृश्यात्मक वर्णन है। भंसाली के चिर परिचित अंदाज में ये जरूरत से ज्यादा खिंचा हुआ और व्यंगम बनाने की कोशिश में अत्यधिक डार्क हो गया है। कहानी बिल्कुल सीधी है। सिंघल की राजकुमारी पद्मावती बलासी खूबसूरत है, जिस पर चित्तौड़ का रावल रतन सिंह मोहित होकर उसे ब्याह ले जाता है। उधर दुनिया जीतने की लालसा में अपनों का खून बहाकर अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के तख्त पर काबिज हो जाता है। एक तरफ रावल रतन सिंह पद्मावती के साथ अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है, तो दूसरी तरफ खिलजी पूरी धरती पर अपनी हुकूमत चलाने का ख्वाब पूरा करने में जुटा है। तभी एक ऐसी साजिश होती है जो खिलजी को कहने के लिए मजबूर कर देती है कि सरहदें बहुत फैला दी, अब बाहें फैलाएंगे। लेकिन ये बाहें वे अमन के लिए नहीं, अपनी हवस के लिए पद्मावती की ओर फैलाता है। संजय लीला भंसाली विहंगमता के नाम पर अतिरेकता की हदें पार कर जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को क्रूर दिखाने के लिए उसके चेहरे के जख्मों के साथ ही उसके गहरे रंग को भी उभारा गया है। उसे इतना क्रूर दिखाया गया है कि अपनी वासना के लिए वह अपने बचपन के दोस्त, अपने सगे भाई, चचा जो उसके ससुर भी हैं, अपनी बेगम और अपने भतीजे, यहाँ तक कि रानी पद्मावती को पाने का रास्ता बताने वाले ब्राह्मण को भी मार देता है। जिस तरह से बंसाली की विहंगमता की कोई हद नहीं, खिलजी की वासना की भी नहीं। उसे रानियों दासियों की चाहत तो है ही, दास भी उसकी पसंद का हिस्सा है। यही नहीं, भंसाली का खिलजी राम गोपाल वर्मा के कल्लू मामा के अंदाज में बॉलीवुड की कोरियोग्राफ्ड डांस भी करता है। भंसाली की पद्मावती पूरी तरह से खिलजी पर केंद्रित है, जिसे रणवीर सिंह ने पूरी क्रूरता से निभाया है। इसके बाद कुछ हद तक रावल रतन सिंह स्क्रीन पर नजर आते हैं, जिसे शाहिद काफी हद तक सफलता से निभाते हैं। अगर भंसाली उन्हें बदन को थोड़ा ढीला भी छोड़ने देते तो भी उनके राजपूत राजा की आन कम नहीं होती। बचा खुचा बेहद कम हिस्सा रानी पद्मावती के हिस्से आया है, जिसे दीपिका पादुकोण ने ठीक ठाक निभाया है। वैसे भंसाली ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। फिल्म की पटकथा बेहद खिंची हुई है और पहले हाफ के मध्य के बाद बोर करने लगती है। आप बार बार सोचते हो कि इंटरवल कब आएगा। दूसरा हाफ भी जरूरत से ज्यादा खिंचा हुआ और फिल्म का अंत तो अब बच्चा बच्चा भी जानता है। अगर आप इस लंबे वीकेंड को थोड़ा फिल्मी बनाना चाहते हैं तो पद्मावती देखी जा सकती है। रही बात करनी सेना की, उन्हें तो भंसाली को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फिल्म में राजपूतों की आन बान शान की गाथा का बखान किया है। वैसे खिलजी के बहाने भंसाली हर दौर की और खासकर आज की घाघ रक्त रंजित राजनीति पर गहरी टिप्पणी जरूर कर गए हैं। उनका डायलॉग इतिहास सिर्फ कागज पर नहीं लिखा जाता, शायद यही इशारा करता है। मेरी तरफ से भंसाली की पद्मावती को 2 स्टार। अगली किसी फिल्म के साथ फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।